हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज आपके लिए फिर से डीएमआरसी एलएमआरसी के लिए जो साइनोनिम्स है उसका पार्ट टू लेकर के आया हूं, जिसमें बेस्ट एक्सप्रेस के नाम से पूछा जाता है और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ डीएमआरसी एलएमआरसी वाले तो जरूर देखें जिनके अपकमिंग एग्जाम है, और जो अदर जो इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मीन्स होता है साहस, करेज जिसे हम कहते हैं। और प्रूडेंस होता है समझदारी, सपोर्ट मतलब समर्थन, और या हेल्प हो गई आपकी। करेज मतलब होता है साहस, सिंसियरिटी मतलब बहुत ही सूझबूझ मतलब संवेदनशीलता अगर से आप कह सकते हैं वो चीज़। तो करेज जो होगा साहस, तो साहस ये जो करेज है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो फॉर्टिट्यूड मीन्स होता है करेज। नेक्स्ट है इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, किसी चीज़ का सुझाव देना, संकेत देना वो होता है। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कन्वर्ट मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया मतलब किसी चीज़ का सुझाव देना है, संकेत देना। कन्फर्म मतलब होता है सुनिश्चित करना, और कंप्लाई मतलब होता है पालन करना। तो ये जो आपका कन्वर्ट हो गया ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मतलब संकेत देना। एक तरह से सजेस्ट एन आइडिया, इम्प्लाई का मतलब ये होता है टू सजेस्ट एन आइडिया और समथिंग सम फीलिंग, और ये कन्वर्ट जो होता है इसका भी मतलब होता है टू सजेस्ट एन आइडिया। तीसरा नंबर है विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है जो निगरानी रखता है, चौकस व्यक्ति, निगरानी रखने वाला। और ये पहला ऑप्शन जो है इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हो, वो कई सारी इच्छाएं रखने वाला। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इतना नंबर ले आऊँ, उतना बोल ले आऊँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। तो एम्बिशियस पर्सन होता है, बहुत ही ज़्यादा आकांक्षाएं रखता है। स्मार्ट मतलब जानते ही, चालाक या फिर सूझबूझ भरा। वॉचफुल होता है चौकस, जो देखता रहता है, निगरानी करता रहता है हर चीज़ की। तो विजिलेंट का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये वॉचफुल बनेगा आपका। ठीक है, तो और चौथा है ये थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है पनपना। पनपना मीन्स कहने का किसी चीज़ का धीरे धीरे विकसित होना। तो फ्लोरिश मतलब भी विकसित होना होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। रेज, रेज जो होता है, रेज मतलब होता है पालन पोषण करना। मींस कहने का कि ये जो एक्शन थ्राइव होता है ये एक्शन खुद होता है, मतलब अपने आप पर। पनपना मींस खुद विकसित होना, और रेज होता है दूसरे को विकसित करना, मतलब दूसरे का पालन पोषण करना। बड़ा एक रेज मतलब उठाना भी होता है, लेकिन एक सेंस होता है पालन पोषण करना। तो रेज जब वर्ब होती है तो ये एक्शन दूसरे पर होता है, पनपना और थ्राइव जो होता है ये खुद पर एक्शन होता है। तो ये इनमें अंतर है। और तीसरा है ऑप्शन क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना, निर्माण करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। तो ये है, तो इसलिए हिसाब से फ्लोरिश जो होगा पनपने का इसका थ्राइव का साइनोनिम माना जाएगा। डिसुएड, डिसुएड मतलब होता है हतोत्साहित कर देना, किसी का जो उत्साह है वो समाप्त कर देना, गिरा देना, वो चीज़ है। तो पहला ऑप्शन दिया है वरी। वरी मतलब चिंता होता है। डिस्टर्ब मतलब परेशान है ना पूरी तरह से। डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट साइनोनिम होगा, बेस्ट एक्सप्रेस होगा। इनक्रोज मतलब तो होता है प्रोत्साहित कर देना, किसी चीज़ के लिए बढ़ावा देना, वो होता है। तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है सिक्स मतलब एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है पीड़ा, किस चीज़ का दर्द या पीड़ा, आपको बहुत बड़ा कष्ट हो, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, विवाद जिसे कह सकते हो, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। एंगर मतलब होता है क्या, नाराजगी। एगोनी मतलब होता है पीड़ा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये जो एंगर है ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, और ये एगोनी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। और ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है विपत्ति, संकट, कुछ भी हो सकता है। तो ये एगोनी आपका करेक्ट है। प्लीजर, प्लीजर मतलब होता है एक्सट्रीम मतलब सॉरी प्लीजर मतलब होता है आनंद, बस मतलब जैसे आप मुस्कुराते हैं ये सब, तो बहुत खुश हैं, अच्छी हवा चल रही है, इस तरह की छोटे मोटे जो खुशी होती है उसे हम आनंद कहते हैं। तो हैप्पीनेस हो गया खुशी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। बाकी का मीनिंग देख लीजिए आप, ये तो करेक्ट हो गया। और कंफर्ट मतलब होता है आराम। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, कोई स्पेशल राइट आपके पास है तो प्रिविलेज कहलाता है। सपोर्ट मीन्स होगा समर्थन या हेल्प, इस तरह से आप कह सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे ओनस। ओनस मीन्स होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का करेक्ट ऑप्शन है। और एंटीपैथी होता है, एंटीपैथी मतलब घृणा की भावना। इंक्लिनेशन मतलब होता है रुझान, किसी चीज़ के प्रति आपका रुझान है वो चीज़ क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है, मतलब लाइक एक तरह से कह सकते हैं। प्रूडेंस मतलब होता है समझदारी, ठीक है। तो प्रूडेंट भी होता है, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, तो उस हिसाब से बना है प्रूडेंट मतलब प्रूडेंस, ये नाउन हो गया। तो प्रूडेंस मतलब होता है समझदारी। नेक्स्ट है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी एक तरह से। ट्रिवियल होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये तो होगा नहीं। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, जिसे कि मतलब अस्पष्ट मतलब सॉरी स्पष्ट है ना ऑब्वियस। और वाइटल होता है महत्वपूर्ण, तो वाइटल आपका जो होगा ये महत्वपूर्ण मीन्स कहने का आवश्यक है, तभी तो महत्वपूर्ण है। तो ये इसेंशियल का साइनोनिम बनेगा।
नेक्स्ट है इनोक्यूस। इनोक्यूस मतलब होता है हार्मलेस, ये सिंपल मीनिंग है, तो डायरेक्टली सीधा पूछा, इसमें बहुत कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना, याद है तो आप कर लोगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण, ऑफेंसिव मतलब होता है आपराधिक, फॉल्टलेस मतलब होता है त्रुटिहीन। इसका मैंने कल एक बताया था आपको साइनोनिम किसका था, ये था इम्पीकेबल का साइनोनिम था, इम्पीकेबल मीन्स फॉल्टलेस। और एक और मैंने बताया था कि अगर फॉल्टलेस और परफेक्ट दोनों मिले तो परफेक्ट ऑप्शन बनता है, अदरवाइज फॉल्टलेस भी ठीक है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं गेप। गेप मास होता है घूरना, स्टेयर, तो ये स्टेयर इसका साइनोनिम बनेगा। और एक होता है गैप, जीएपी, जब सिर्फ जीएपी होता है वो गैप मतलब होता है स्पेस, दोनों बीच की, दोनों चीज, दो चीजों के बीच की जगह, उसे स्पेस कहते हैं। लेकिन ये जीएपी गेप होता है, गेप का मीन्स होता है स्टेयर, घूरना। हाइड मतलब होता है छिपा हुआ, छिपना या छिपा हुआ। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। एक्सक्लेम मतलब होता है एक्सक्लेम, मतलब किसी चीज का दावा करना, कोई चीज व्यक्त करना, जिसे आप कोई भावना व्यक्त कर रहे होते हैं, एक्सक्लेम आ जाएगा। और क्लेम, एक्सक्लेम मतलब किसी चीज का, कोई चीज बाहर प्रदर्शित करना बाहरी रूप से, वो एक्सक्लेम होता है। एल्यूड होता है टारमटोल करना, बचना किसी चीज से, तो अवॉइड जो होगा ये इसका साइनोनिम होगा, अवॉइड मतलब किसी चीज से बचना, है ना। रिफर होता है किसी चीज को दूसरी तक भेजना, टेल मतलब होता है बताना, क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना, है ना, ये बनाना। एसोसिएट, एसोसिएट दो, इसके दो मीनिंग होते हैं, जब ये नाउन की तरह होता है इसका मीनिंग सहायक होता है, और जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तो एसोसिएट मीन्स होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। तो आप देखिए सहायक की तरह अगर आप इसे नाउन मान लेते हो तो कनेक्ट मतलब तो सहायक होगा नहीं, कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, है ना। असिस्ट, असिस्टेंट होता तो सहायक एक बन सकता था, लेकिन असिस्ट ये खुद वर्ब है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। सपोर्ट मतलब समर्थन, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, तो कोई नहीं होगा। अब आप इसे वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे, जोड़ना या मिलाना, तो कनेक्ट ये भी वर्ब होती है ना, तो ये सेम हो जाएगा। मीन्स एक पार्ट, जिस पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा वर्ड है उसी पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी ऑप्शन भी होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। क्वार्म होता है संदेह, पछतावा, जैसे आप कोई काम करते हो तो उस काम में आपको डाउट होता है कि यार सही होगा गलत होगा, तो वो संदेह, वो डाउट जो होता है उसे क्वार्म कहते हैं आप। तो इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी तो होता है मतलब कोई कार्य आप करते हो और उसके लिए अगर वो गलत कार्य है उसके लिए आप पनिशमेंट ना मिले, आपको आप बच जाओ, तो दंड मुक्ति वो जो होता है इम्प्यूनिटी होता है। यू डूड सम वर्क विद इम्प्यूनिटी मीन्स कहेगा कि यू गेट नॉट, यू डू नॉट, वुड नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट गिल्ट, मीन्स कहेगा कि अगर आप कोई काम करते हो और उसमें आप त्रुटि कर देते हो तो उसमें आपको पनिशमेंट ना मिले, आप बच निकलो, तो दंड मुक्ति जो होती है वो इम्प्यूनिटी कहलाती है। डिस्ट्रेस मतलब होता है विपत्ति या संकट। स्क्रपल मीन्स होता है संदेह या पछतावा, ये चीज जो है ये भी डाउट, किसी काम को आप करते हो आपको जो डाउट होता है वो स्क्रपल होता है। और ये चौथा ऑप्शन जो दिया है, फोर मिस हो गया यहाँ पे, ये फोर है आपके। तो ये प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना या रक्षा करना, एक तरह से बचा के रखना। कंटिजियस होता है संबंधित या समीप, जैसे आप हो तो कोई कंटिजियस डिसीज होती है, मीन्स उसका कहने का वो स्किन के टच से फैलती है, तो उन्हें कंटिजियस डिसीज कहते हैं। फिलिंदर लैंग्स में भी आया हुआ है एसएससी में एग्जाम में। एडजॉइनिंग होता है संबद्ध, है ना। सर्कमस्टेंशियल होता है परिस्थिति जन्य, परिस्थिति पर आधारित, कैचिंग पकड़ने वाला, पकड़ा हुआ, है ना, और या पकड़ना इधर से कह सकते हो। डिवाइडेड मतलब होता है बटा हुआ, तो एडजॉइनिंग ये होता है, एडजॉइनिंग इसका साइनोनिम होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती या हार्ड वर्किंग पर्सन। अब देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है, एक है क्या, डिजायरस मतलब होता है इच्छुक, ये तो होगा नहीं। हार्ड वर्किंग परिश्रमी, ठीक है। रिडिकुलस मतलब मजाकिया, है ना। और एसिडुअस ये भी होता है परिश्रमी। अब देखिए हार्ड वर्किंग और इसमें क्या अंतर होता है। एसिडुअस, हार्ड वर्किंग पर्सन तो बस मेहनती होता है, लेकिन एसिडुअस पर्सन की जब आप बात करोगे तो एसिडुअस मतलब होता है बहुत ही निगरानी से अपने कार्य को करने वाला और बहुत ही मेहनत के साथ करने वाला, मतलब वेरी केयरफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये जो होता है, चूंकि हमें बेस्ट एक्सप्रेस चूज करना होता है, तो इन दोनों में अगर बेस्ट की बात की जाए तो एसिडुअस इज द बेस्ट, है ना। अगर यहीं पर भी इंडस्ट्रियस आया था तब भी एसिडुअस ऑप्शन बनता, एसिडुअस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द हार्ड वर्किंग। तो ये आपको समझना होगा, मेहनती के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर एसिडुअस मिलता है तो कोई भी सामने नहीं आएगा, सबसे अच्छा एसिडुअस। एसिडुअस और डिलीजेंट काफी हद तक बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी बहुत ही केयरफुली मेहनत करने वाले पर्सन के लिए आता है डिलीजेंट, और ये एसिडुअस भी उसी के लिए आता है। हार्ड वर्किंग ये सब तो बस ऐसे ही, जैसे कोई मजदूर है वो भी अपना हार्ड वर्क कर रहा है, तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अब वहाँ केयरफुलनेस की क्या बात है, कोई आप नहीं डाउट मतलब क्लियर कर सकते हैं ना, वो चीज़ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट है 17 नंबर, ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है, त्रुटि। ब्लेमिश होता है दाग, स्किन पे आपको कोई दाग है वो आपका निशान है, वो ब्लेमिश होता है। डेंजर मतलब होता है खतरा, वरी मतलब होता है चिंता, मिस्टेक मतलब होता है त्रुटि। तो ये जो मिस्टेक है ये आपको क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कोर्स, कोर्स मतलब होता है भद्दा, और एब्सेंस होता है रूड या असिस्ट जिसे कहते हैं आप।
स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकना आप कह सकते हैं, तो अपोजिट लेना नहीं है तो हम ले सकते थे इसे। रिफाइंड मतलब शोधित बिल्कुल शुद्ध जिसे कहते हैं, स्टिफ मतलब होता है मजबूत और रफ मतलब होता है भद्दा। तो ये जो भद्दा है ये ऑप्शन इसका बनेगा, क्योंकि हमें साइनोनिम लेना है। कई लोग कहते हैं कोर्स मतलब भद्दा, स्मूथ मतलब चिकना मतलब ये खुरदरा होगा, रफ मतलब खुरदरा होता है, तो ये मान के चले कि ये सब मतलब, लेकिन ये तो आपका वो है ना एंटोनिम है, हमें तो साइनोनिम पूछा गया है, तो ये चीज़ था, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट मीन्स होता है दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, जो बहुत ही दूसरों के प्रति मतलब या तो दयालु की भावना हो उसके अंदर, दयालुता की, या फिर वो दूसरे के प्रति क्या करे सिंपैथी रखे, सहानुभूति रखे, उनके कोई गलत काम हो उनके साथ, कोई गलत चीज़ हो उनके साथ, या उनकी कोई परेशानी हो उसमें उनके साथ क्या करे थोड़ा सहानुभूति रखे, उन पर दया दिखाए। तो पैथेटिक होता है दयनीय, मतलब जिसकी स्थिति बहुत बदतर हो, पुअर व्यक्ति इस तरह से कह सकते, तो पैथेटिक होता है वो दयनीय स्थिति वाला। एस्थेटिक होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता से रिलेटेड कोई, जैसे एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मतलब सुंदर का नजरिए, सुंदरता का नजरिए, इस तरह से ब्यूटी के सेंस में आता है, ठीक है। और प्रकृति से रिलेटेड ब्यूटी इस तरह से। सिंपैथेटिक होता है सहानुभूतिपूर्ण, तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एक होता है वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, है ना, तो क्वाइट मतलब होता है शांति, ऑप्शन नहीं बनेगा। लोनली मतलब होता है अकेला, ये बन सकता है। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, है ना, तो ये भी नहीं होगा। आइडल मतलब होता है क्या आलसी, तो ये लोनली जो होगा अकेला सॉलिटरी का ये साइनोनिम होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं डीके। डीके मतलब होता है क्षरण होना या अपघटन होना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, वो सेंस देता है। तो डिकम्पोज भी यही होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाना, तो यही इसका ऑप्शन बनना चाहिए। आगे देख लेते हैं और कौन से वर्ड हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना या कम होना, है ना, तो ये होगा नहीं। डिस्पोज मतलब छोड़ देना या ऐसे ही बाहर यूजलेस चीज के रूप में। डिस्टर्ब मतलब परेशान कर देना, है ना, परेशान एक तरह से, तो ये क्या होता है डिकम्पोज क्षरण होना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो यानी कि ये एब्सोल्युटली राइट था, ठीक है। डिस्पोट, डिस्पोट मतलब डिस्पोटिक होता है तानाशाही रूप, तानाशाही क्वालिटी, तो डिस्पोट होता है क्या ये आपका तानाशाह होता है, निर्दयी शासक, ऐसा राजा जो कि बिल्कुल निर्दयी हो, क्रूर हो उसे। मोनार्च मतलब तो होता है केवल राजा, है ना। टायरेंट मतलब होता है तानाशाह, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। और भी सारे आप चूज करते समय कई सारे विकल्प देखेंगे, ठीक है। तो रूलर मतलब होता है शासक, तो मोनार्च और रूलर एक ही चीज है। डेमन, डेमन मतलब राक्षस हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। सैंक्शन अगला वर्ड है, सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है सहमति। एक चीज मैं बता दूं मैं, सैंक्शन के बाद अगर इसमें एस लगा दिया होता, स्मॉल एस लगा दिया होता, तो सैंक्शन का मतलब पता है क्या हो जाता है, फिर सैंक्शन का मतलब होता है, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध हो जाता है, ठीक है। तो ये सैंक्शन मतलब प्रतिबंध हो जाएगा, अगर सैंक्शन होता है तो सहमति होता है, तो यहाँ सैंक्शन दिया हुआ जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा सहमति होगा। सबमिशन मतलब होता है किस चीज की, मतलब कोई चीज जमा कर देना। कमीशन मतलब होता है आयोग, परमिशन होता है सहमति। सैक्रेडनेस मतलब होता है पवित्रता, तो जो ये परमिशन है, परमिशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड सैंक्शन, ठीक है। सैंक्शन मतलब परमिशन। परसिस्टेंट मतलब होता है जिद्दी, जो अड़ा रहे, है ना। ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक, परमानेंट मतलब लगातार बना रहने वाला, है ना, तो ये हो सकता है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक, सीज्ड मतलब रुका हुआ, तो मींस कहने का कि परमानेंट जो जिद्दी का सेंस यहाँ पर अगर सबसे अच्छा कोई वर्ड होगा तो परमानेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं पेल, पेल मीन्स होता है बकेट, तो ये सीधा सीधा मिल रहा है, बकेट मतलब बाल्टी। और बाकी आप देख लीजिए क्या है, ये आपका जो वेजल आया है, तो वेजल आपका क्या है, ये तो बकेट तो सही है, वेजल आपका कोई भी पात्र हो सकता है, मग माने डिब्बा आप जानते हैं क्या है, जग टाइप का। कंटेनर भी एक प्रकार का बॉक्स होता है, एक प्रकार का क्या होता है पात्र होता है। बकेट आपका पेल बाल्टी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट पेज में क्या है, कंडोन। कंडोन मींस होता है नजरअंदाज करना, मींस कहना है जैसे कोई व्यक्ति गलती कर रहा है बार बार और आप उसे क्या करते हो, इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो, जानो यार बच्चा है छोड़ दो, तो वो चीज आपका होता है कंडोन। उस तरह की नजरअंदाजगी जो होती है वो कंडोन के सेंस में आती है। और इसका जो आप वर्ड देखेंगे, फॉरगिव मतलब क्षमा कर देना, है ना, फॉरगेट मतलब भूलना, फिर क्या इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, ओवरलुक माने भी नजरअंदाज करना। आप देखिए इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इग्नोर उस नजरअंदाजगी के लिए आता है जब आप जानबूझ करके नजरअंदाज करते हो, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करने का मतलब होता है कि आप देख ही नहीं पाए, वो नजरअंदाज करना मतलब आप कहीं से जा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को आपने देख लिया और ऐसा बहाना किया कि मान लो हमने देखा ही नहीं, तो वो इग्नोर होता है। अब आप क्या किए कि आप जा रहे हो और आपकी आंखों से सामने से निकल गया, आप उसे देख ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं लगा कि वो निकल गया, तो वो ओवरलुक होता है, आपने नजरअंदाज कर दिया उसे, है ना, मतलब आप कि आंखों से वो क्या हो गया, निकल गया और आपको पता ही लगा, तो ओवरलुक और इग्नोर भी अंतर। तो कंडोन क्या होता है कि किसी की गलती जो होगी उसको नजरअंदाज करना, तो आप जान रहे हो कि वो गलती कर रहा है, उसके बाद भी उसे छोड़ देते हो, तो वो क्या इग्नोर का सेंस देगा, क्योंकि आप जानबूझ करके उसे
छोड़ते हो, ऐसा नहीं कि आपने उसे देखा ही नहीं, तो इग्नोर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इन दोनों का अंतर है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन में वहां कोई एक तुक्का मार के चले जाएंगे। ब्रिस्क मतलब होता है तेज, पजल्ड मतलब होता है परेशान, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, क्विक मतलब होता है तेज, ब्राइट मतलब होता है चमकीला या फिर बहुत ही होशियार इस सेंस में, तो क्विक जो होगा तेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ब्लिस, ब्लिस का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, अकम चरम खुशी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी, अत्यधिक खुशी। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे प्लीजर है, प्लीजर मतलब आनंद होता है, हल्का फुल्का आनंद, मतलब एक बार आप स्माइल कर दिए तो बहुत, मान लो आपको अच्छी हवा मिल गई है ना, अच्छा खाने मिल गया, प्लीजर है, थोड़ा सा आनंद थोड़ा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील होना, वो चीज फैंटेसी काल्पनिक होता है ना, कल्पना टाइप का। और ये क्या होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, और लाफ्टर मतलब होता है हंसमुख टाइप का, हंसी हंसी जैसा, है ना। तो जैसे हैप्पीनेस हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हैप्पीनेस का हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। आनंद प्लीजर से ज्यादा अच्छा होता है हैप्पीनेस, और ब्लिस मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है, तो फिर ये काफी दिन तक हैप्पीनेस के निगेट है, लेकिन इससे तो काफी दूर है। कैंडिड मतलब होता है खुले विचारों वाला, ईमानदार, फ्रैंक जिसे कहते हैं, फ्रैंक पर्सन, अपनी बातों को खुलकर व्यक्त करते हैं, अपना कोई छुपा के ना रखे, तो फ्रैंक पर्सन होता है। एबल मतलब योग, क्वाइट मतलब शांत, है ना। फियरलेस मतलब होता है निर्भीक, जो जिसे जिसे डर ही ना लगे। मीगर होता है अल्प मात्रा में, प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त मात्रा में, तो ये तो अपोजिट है। और इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में। सफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, लिमिटेड मतलब सीमित, तो सीमित क्या, इनएडिक्वेट अपर मतलब ये जो आपका इनएडिक्वेट होगा अपर्याप्त मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। पार्ट वन में हमने 25 वर्ड्स दिए थे और ये पार्ट टू में 30 वर्ड्स हैं, और आई होप अगर कोशिश करेंगे और भी ऐसा जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसा सेट बन सकता है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को भी बताइए जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका इससे रिलेटेड एग्जाम है, या किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।